थोड़ी देर में मेरा बर्थडे स्टार्ट होने वाला है पक्का। पहला विश तो मेरे भैया ही करेंगे। भैया टाइम कितना हो रहा है? 11:30 हुए। अच्छा ठीक, सो जा अभी। आधे घंटे में मेरा बर्थडे स्टार्ट होने वाला है और भैया ऐसा दिखावा करे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। नौटंकी बस। भैया अब कितना हुआ टाइम? अबे 10 मिनट पहले तो पूछी थी। 11:40 हुए, सो जा अभी। भैया अब कितना टाइम हो रहा है? मेरी माँ सो जाना यार, 12:05 बाकी यार, सो जा रहा। मुझे भी सोए दे, मुझे भी नींद आ रही है। अच्छा मतलब नया दिन स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी ना। ठीक है ठीक है, नया दिन स्टार्ट है। गुड नाइट भैया। अरे मेरी माँ, ये ले मोबाइल, ये ले मोबाइल, अब ये तेरे पास रख। जब भी टाइम देखना है ना, यहाँ पे टाइम है, टाइम देख लेना। प्लीज मेरी नींद खराब मत करना, प्लीज प्लीज छोड़ दे मेरे को। 12 बजने में सब 10 सेकंड बाकी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये बुद्धू तो सो गया, पक्का कल विश करेंगे। मम्मी क्या कर रहे हो? नाश्ता बना रही। आज खाने में कुछ स्पेशल है? है ना, दाल चावल। मम्मी वो तो रोज होता है, और कुछ स्पेशल? दाल चावल के साथ इस बार अचार भी है। मम्मी आप कुछ भूल रहे हो, याद करो। भूल रही हूँ? हाँ। क्या भूल रही हूँ? नमक तो मैंने डाल दिया। यार कोई मुझसे प्यार नहीं करता। भैया उठो उठो। अबे कौन है बे? आपकी प्यारी बहना। क्या अजीब दिन आ गए, लोगों को सुबह सुबह मुर्गियाँ चिल्ला के उठाती है और हमारे घर पे ये बंदर। मैं मार क्यों रही है? क्या है तेरे प्रॉब्लम? क्या है सुबह सुबह? आपको पता है आज क्या है? क्या है आज? डेट देखो। डेट? अरे पलक, अरे मेरी प्यारी बहना, अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। आज तो इंडिया का मैच है यार, ऐसे कैसे भूल गया? दोस्त को भी बुलाता हूँ, साथ में देखेंगे। भैया और कुछ स्पेशल नहीं है? स्पेशल तो सुबह सुबह नए कपड़े पहने। तेरे भाई की शादी है क्या? स्पेशल काम कर अपना। बर्थडे आज मेरा, किसी को याद नहीं है, कोई प्यार ही नहीं करता मुझसे। भैया का दोस्त पक्का मुझे विश करने आया होगा। भैया आप मेरे लिए आए हो ना? तू बड़ी आई महारानी, क्रिकेट देखने आया मैं। आजा भाई। और भाई स्कोर क्या हुआ? ये अभी 1 ओवर हुआ है। भैया रिमोट दो। ए चल मैच चल रहा है, रिमोट दो। क्या सही चल रही है यार मैच? भाई मैच चले और तू मोबाइल में क्या लगा पड़ा है? भाई तुझे तो पता है ना मुझे फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप का कितना शौक है, तुझे भी तो क्रिकेट का शौक है ना, तू क्यों नहीं खेलता? देख तुझे एक मस्त फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम है माई 11 सर्कल ऐप। तू अपने क्रिकेट के नॉलेज से और अपने स्किल्स से तू इसमें 5 करोड़ रुपए तक जीत सकता है। और देखना जिन्होंने जीता है उन सबकी फोटो और इन्फो लगी हुई। अच्छा जरा बता इसको खेलते कैसे? माई 11 ऐप यूज करना बहुत ही ईजी, इनमें खेलने वाले दोनों टीम में से अपने पसंद के प्लेयर चूज करो और अपनी खुद की टीम बनाओ। और इस गेम की इंटरेस्टिंग बात बताओ तुझे, तू इसमें रहाने सर, गांगुली सर और वॉटसन सर, इन जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ गेम खेल सकता है। और इसमें रणवीर सिंह भी ज्वाइन हो गए हैं। क्या बात कर रहा है यार। और भाई तुझे तो पता ही है आजकल इतने सारे T20 लीग चालू है, तू माई 11 सर्कल के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा तो तू जीत सकता है बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स। और हमारे जो व्यूवर्स है उन्हें मिलेगा 1500 का बोनस और 20% एक्स्ट्रा कैशबैक अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे, अगर हमारे दिए हुए लिंक से ऐप डाउनलोड करोगे तब। अभी तुम मैच देख रहे थे, कितना सही मैच चल रहा है। भैया आपका मेरे को इंपॉर्टेंस से नहीं है, मुझे कुछ बोलना है। मम्मी आप ही सुन लो, मैं अलोन फील कर रही हूं, मेरे कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे कोई भी नहीं सुन रहा। क्या हुआ पलक, अलोन फील कर रही है?
माफ करना, मैं भूल गया, बट मुझे अभी याद आ गया कि आज तेरा छोटा भीम कार्टून आने वाला है ना, ये ले चुटकी, जा तेरे राजू को देगा। आ जा रोहित, अपन अंदर मोबाइल यूज कर दे। एक रिमोट के लिए इतना ड्रामा, मत दो कोई बर्थडे गिफ्ट, बट एटलीस्ट विश तो करो। राजू, हमने तुम दोनों के लिए 5 कार्य सोचे हैं। अरे तुम दोनों माँ बेटे ने मिलके क्या एक्टिंग की यार, उसको जरा भी नहीं पता चला कि तुम लोगों को उसका बर्थडे याद है। ये बात को सीक्रेट रख यार, अभी ना डेकोरेशन करना है, कैसे भी करके इसको घर से बाहर भगा यार। आइडिया अभी आया, ये लाइट को भी अभी जाना था, आज का दिन ही बुरा है। मम्मी मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, आराम से आना। हेलो, पलक घर से निकल चुकी है। ओके बॉस, अब ये मिशन मुझ पे छोड़ दो। टारगेट मेरे सामने ही है। ओके, मुझे ना उसकी पूरी अपडेट करते रहना, मैं उसे फॉलो करता हूँ। ओवर। यस भाई, काम हो गया। एक नंबर। भाई अभी सुन, तू डेकोरेशन का सामान लेके आ, मैं उसके सारे फ्रेंड्स को कॉल करके बुलाता हूँ, ठीक है? जल्दी जल्दी। पलक के सारे फ्रेंड्स को कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ। सुनो चिल्लर पार्टी, 5 मिनट में सब लोग मेरे घर पे आओ, पलक का बर्थडे तो सेलिब्रेट करना है, उसके लिए सरप्राइज है, तो सब लोग अपना मुंह भर रखना, ठीक है? भैया मैं पहले ही बोल रही हूँ, रिद्धि पे ट्रस्ट करना मत, वो पलक को सब कुछ बता देगी। ओ हेलो, मैं भी कॉन्फ्रेंस पे हूँ। कौन 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 बोला? रिद्धि को कोई कुछ बोलो मत। हाँ अरे वो रिद्धि हो या पिद्धि, सुनो मेरी बात, अपना मुंह सब लोग बंद रखना, वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा, और सरप्राइज खराब हुआ ना तो मैं तुम्हारा मुंह खराब कर दूंगा, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है, मैं आती हूँ। ओके बाय बाय। एक रेड वेलवेट। नाम क्या लिखना है? एक मिनट। हाँ प्रेम, केक पे नाम क्या लिखना है? केक पे अरे बोलो क्या लिखूं? चुड़ैल। बस सब कुछ परफेक्ट हो जाए, पलक को थोड़ी भी भनक नहीं पड़नी चाहिए कि उसके भाई ने उसके लिए परफेक्ट सरप्राइज प्लान करके रखा है, वरना सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। सुबोध वहां पे अपना काम परफेक्ट कर रहा है, रोहित भी डेकोरेशन का सामान लेने गया है और केक भी ला रहा है, पर ये बच्चे पता नहीं अभी तक कहां है, लगता है आ गए। सरप्राइज रखने तुम लोग चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को बता रहे हो, सब हरामखोर केक खाने आए फोकट का। मारेगा मैं। बांग। अबे जल्दी जा, बॉस वेट कर रहे। तुम सब कितने हरामी हो, हाँ एक ने भी गिफ्ट नहीं लाया, सब लोग फ्री का केक खाने आ गए, हंस रहे हो? भैया
कोई तो आया, दरवाजा खोलो। ये ला, बड़ा है ना मैं तेरे से। उठ, खुद खोल। सरप्राइज रखा है यार, तुम लोग चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रहे हो। कौन आना बाकी अभी? वो पलक की चमची रिद्धि। हाँ भाई बोल। बॉस, एक न्यू अपडेट है, एक बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है। पहले कौन सी सुनाओ? गुड न्यूज बता दे। गुड न्यूज है कि पलक घर से बहुत दूर आ चुकी है। ये अच्छा हुआ, अभी हमें टाइम मिलेगा थोड़ा डेकोरेशन करने को। तो बैड न्यूज क्या है? और बैड न्यूज है कि हमारे बीच एक गद्दार है। क्या? किसने की गद्दारी? पलक की बेस्ट फ्रेंड रिद्धि। आने दे उसको, देखता हूं। गाइस, हमारे साथ गद्दारी हुई है, रिद्धि ने सब कुछ बता दिया। भैया, मैंने पहले ही बोला था रिद्धि के पेट में कुछ नहीं रहता, फिर भी आपने उसे प्लान में शामिल कर लिया। पार्टी 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 बर्थडे की पार्टी बर्थडे की पार्टी 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 पार्टी। क्या हुआ? गद्दार? भैया मैं गद्दार नहीं हूँ। अच्छा, तो ये क्या है? बोल गद्दार अभी। भैया ये जो वीडियो आपने देखा ये बिना साउंड का है, अभी साउंड के साथ देखिए। हाय रिद्धि। हाय। चलो मेरे साथ गार्डन में खेलने। नहीं, वो मेरी मम्मी का तबियत खराब है तो वही मेडिसिन लेने जा रही थी। वैसे कल एग्जाम है, तेरे स्टडी हो गई? अरे तुझे पता नहीं है कि टीचर के ससुर मर गए, इसलिए एग्जाम कैंसिल हो गया। यस, एग्जाम कैंसिल हो गई। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, मम्मी मेरा वेट कर ही रहेगी। ठीक है बाय। यस, एग्जाम कैंसिल हो गई। ठीक है ठीक है, जा वहाँ पे बैठ। क्या रिद्धि, यहाँ आने के लिए तूने मम्मी को बीमार कर दिया? तो क्या बहाना देती भैया, अच्छी बात नहीं है। ये केक पार्टी पार्टी पार्टी। चुप, एकदम चुप, बैठो वहां पे। पार्टी पार्टी सरप्राइज है यार, चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रहे हो, फलक को पता नहीं चलना चाहिए। थैंक यू यार, केक खाने आया ना तो केक खाओ और जाओ। पार्टी पार्टी एक न्यू अपडेट है, पलक गार्डन में पहुंच गई है, अभी हमें डेकोरेशन करने को टाइम मिलेगा, अपडेट करते रहना। ओके बॉस, ओवर। आज मेरा बर्थडे है, किसी को भी बर्थडे मेरा याद नहीं है, भैया को भी याद नहीं है, यहाँ तक कि मम्मी को भी। मुझे लगा सरप्राइज प्लान करेंगे, बहुत बुरे भैया, मैं कभी उनसे बात नहीं करूंगी। हेलो बॉस, एक न्यू अपडेट है,
पलक झूला झूल रही है। अच्छा ठीक है, अपडेट करते रहना। ओके ओवर। अब क्या? और एक अपडेट है, पलक ने ना अपने नाक में उंगली डाल दी। अरे यार ये सब अपडेट मत कर यार। सुन ध्यान से। जब वो निकलेगी ना, सुन, जब वो निकलेगी ठीक है तभी मुझे अपडेट करना, अंडरस्टैंड? ओके ओके ओवर बॉस, बाय। अरे यार अब क्या है यार। बॉस बॉस बॉस, निकल गई निकल गई निकल गई। क्या निकल गई? अरे रोहित पलक निकल गई यार, जल्दी डेकोरेशन कर। अरे अरे बॉस वो नहीं, उसके नाक से उंगली निकल गई। क्या? ए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बैठो बैठो। अरे यार तू यार परेशान कर रहा है यार। ध्यान से सुन, मुझे नहीं जानना यार कौन सी उंगली कहां से निकल रही है, मुझे सिर्फ इतना जानना है जब पलक गाड़े से निकलेगी ना तभी प्लीज मुझे अपडेट कर दे। प्लीज प्लीज भाई प्लीज, अंडरस्टैंड? सॉरी सॉरी सॉरी। ओके बॉस ओवर। ठीक है फोन रख। यार किसने इसको स्पाई बना दिया यार? आज गार्डन में कोई भी नहीं आया, मेरे सारे फ्रेंड्स कहाँ गए? अकेले यहाँ पे बहुत बोर हो रही हूँ, एक काम करती हूँ फिर से घर पे चली जाती हूँ। अरे यार अभी क्या है? बॉस 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 निकल गई निकल गई। अरे मेरे भाई उसके उंगलियों पे फोकस मत कर, मुझे ना वो निकलेगी तभी अपडेट करना ठीक है। अरे बॉस पलक ही निकली है घर के लिए, 5 मिनट में पहुंच जाएगी वो। क्या गाइस पलक निकल गई जल्दी। बॉस बॉस रख दिया लगता है। डेकोरेशन भी नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? भैया दरवाजा खोलो। भैया हाँ पलक, मैं ना कपड़े चेंज कर रहा हूँ, 5 मिनट में आया। तो मम्मी को बोलो खोलने के लिए। अरे मम्मी तो बाहर गई है पलक। शिट यार आज का पूरा दिन ही खराब है। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। बस आया आया, शर्ट पहन रहा हूँ, शर्ट बस 2 मिनट। पूरे 10 मिनट से मैं यही सुन रही हूँ। भैया हुआ? हाँ पलक 10 मिनट और, शर्ट के बटन लगा रहा हूँ प्लीज थोड़ा वेट कर ले प्लीज। बस मतलब और 5 मिनट, वो पैंट पहन रहा हूँ पैंट। इतना टाइम तो किसी लड़की को भी नहीं लगता तैयार होने में। सॉरी जल्दी।
खोलू? क्या भैया, मैं कब से बाहर वेट कर रही थी? Stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. And now I'm running like there's no tomorrow. My life was on a one-way track. This ain't a story about happy endings. अभी कहाँ खो गया? अरे भाई, सोच के ही बहुत प्यारा लग रहा है कि उसके रिएक्शन कितने मस्त हो गए। वो छोड़, डेकोरेशन हो गया, दरवाजा खोल। अरे पलक आ जा। अरे सॉरी यार, मैं थोड़ा कपड़े चेंज कर रहा था ना, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। पलक, हाँ, तू सरप्राइज नहीं हुई? ओह, सरप्राइज होना था। पलक, हम सब ने इतनी मेहनत करके तेरे लिए डेकोरेशन किया, तो हमारी मेहनत का इंसल्ट कर रही है यार। देखो कैसा है ना भैया, अगर मुझे ये सब नहीं पता होता ना, तो मैं बहुत सरप्राइज होती। पर ये सब तो मुझे ऑलरेडी पता था, इसलिए कुछ नई फीलिंग नहीं आ रही। पर कैसे, हम सब ने तो पूरी कोशिश की थी कि तुझे पता ना चले और ये सरप्राइज पूरी तरह सक्सेसफुल हो, फिर किसने बताया? भैया मैंने पहले ही बोला था, रिद्धि के पेट में कुछ नहीं रहता, फिर भी आपने उसे प्लान में शामिल कर लिया। पर मैंने तो किसी को कुछ बोला ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, उसने मुझे नहीं बताया, मुझे तो इसके वजह से पता चला। किसने? इसके। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. I just been living on. इतनी सारी चप्पल है, मतलब भैया अकेले घर पे नहीं है, ये सब तो मेरे फ्रेंड्स की चप्पल है। ये युग की है, ये वेदिका की है, ये तो रिद्धि की सैंडल है। और कमी ने मुझे बोलती मम्मी के लिए दिवाली लेने जाना है। सब मेरे लिए अंदर सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, पर उन्हें क्या पता, मुझे तो सब ऑलरेडी पता चल गया। बुद्धू लोग चप्पल ही अंदर रखना भूल गए। अरे यार, चप्पल कैसे भूल गए यार? तारी चूड़ तुम जोड़ो मामा, दुन्ना पोतला वेरे जोड़ो। So guys, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब अपना मुंह बंद करना, केक कटिंग कर, वैसे मजा खिड़खिड़ा हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। एंड गाइस, आल्सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड माय 11 सर्कल ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।